प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी तेज है। बड़े बड़े धुरंधर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार भी अपने गुणगान में लगी है। दरअसल बीजेपी ने अब एक कदम आगे बढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी कमान संभाली है। इस सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना से 22 जनवरी से शुरू की गई है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से 2017 चुनाव के मुद्दे पलायन को पश्चिम उत्तर प्रदेश में हवा दे दी है। 2022 चुनाव में भी पलायन करके जा चुके लोगों को वापस बुलाने और उनसे मिलने मिलाने का दौर शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर जाकर उन लोगों से मुलाकात की जो पलायन करके जा चुके थे और इन्हें दोबारा बसाया गया है। बीजेपी ने दावा किया कि पलायन करने वाले उनकी सरकार में वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया था। उस समय समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। बीजेपी सांसद का आरोप सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा हमला था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ ये हमला पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का कारण बना था। अब 2022 में भी बीजेपी पलायन के मुद्दे को लेकर फिर से मैदान में है। अब देखने वाली बात ये है कि वेस्ट यूपी की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को फिर से मिलता है या नहीं। फिलहाल यूपी चुनाव से जुड़े हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज पश्चिम यूपी के किराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मृगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत की। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती है। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है। ये ही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था, बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहां अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता अब तक न पहुंच पाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग या नोएडा में रहने वाले लोग, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।